नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। केरल हाईकोर्ट ने राज्य में पशु के अधिकारों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई स्वतः संज्ञान कार्यवाही का नाम बदलकर इन रे ब्रुनो रखा। दरअसल तीन युवाओं के अमानवीय कृत्यों का शिकार हुए असहाय कुत्ते की स्मृति में ये नाम रखा गया। जस्टिस जयशंकरन नाम्बियार और जस्टिस पी गोपीनाथ की खंडपीठ ने रजिस्ट्री को राज्य में पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सुझावों का उपयोग करने के अलावा कुत्ते की याद में रिट का नाम बदलने का निर्देश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महिला के साथ बलात्कार करने और उसकी अश्लील तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट करने के आरोपी को प्रथम दृष्टया जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की पीठ आईपीसी की धारा 376(1), धारा 506 और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 67(a) के तहत मानव शर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आरोपी को आरए से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि ये एक ऐसा मामला है जहां आवेदक और पीड़िता एक लंबे समय से रिश्ते में थे और जब वो अपनी उच्च शिक्षा के सिलसिले में रूस चली गई तो उसने रिश्ते को अस्वीकार कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन के आदेश की पुष्टि के बाद एक नजरबंद व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत महत्वपूर्ण है। इस तरह के अभ्यावेदन पर विचार न करना ये मनमाना और दमनकारी होगा। इसके साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ साथ 21 का उल्लंघन होगा। न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति हंजते संजीव कुमार की खंडपीठ ने रिजवाना पाशा उस कुल्ला रिजवान द्वारा दायर एक याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(5) हिरासत में लेने के आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन करने का अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार राज्य सरकार की ओर से नजरबंद किए गए व्यक्ति के अभ्यावेदन पर जल्द से जल्द विचार करने के लिए एक संबंधित कर्तव्य या दायित्व का तात्पर्य है। उक्त अधिकार का सार हिरासत की पुष्टि के बाद नजरबंद किए गए व्यक्ति के अभ्यावेदन पर विचार करने के मामले में भी लागू किया जा सकता है। मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य न्यायिक अकादमी को जांच अधिकारी, लोक अभियोजक और विशेष न्यायाधीश सहित यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत मामलों से निपटने वाले हितधारकों को ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन की एकल न्यायाधीश पीठ 25 नवंबर 2019 को विशेष पोक्सो न्यायाधीश द्वारा पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषसिद्धि आदेश को चुनौती देने वाली एक आपराधिक अपील से निपट रही थी। कोर्ट ने निर्देश दिया, इसलिए राज्य न्यायिक अकादमी को पोक्सो अधिनियम के तहत मामलों से निपटने वाले हितधारकों को ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें जांच अधिकारी, लोक अभियोजक और विशेष न्यायाधीश शामिल हैं, जो पोक्सो अधिनियम के तहत मामलों को देख रहे हैं। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी, 15,000 जुर्माना और तालुक कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीड़ित बच्चे को कम से कम 4,00,000 रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने माना कि मुआवजे के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 143(a) एक निर्देशिका है और विवेकाधीन नहीं है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल जज बेंच ने देखा कि एनआईए एक्ट की धारा 143(a) में संशोधन ने न्यायिक मैजिस्ट्रेट के फैसले को बरकरार रखा, जिसने चेक राशि का 20% का मुआवजा दिया। मामला ये है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ उक्त कानूनी की धारा 138 के तहत अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक अनादरित होने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने अंतरिम मुआवजे के लिए एनआईए की धारा 143(a) के तहत एक आवेदन दायर किया। ये तर्क दिया गया कि यदि आरोप तय किए गए हैं तो चेक राशि के 20% की सीमा तक अंतरिम मुआवजे का आदेश दिया जा सकता है। न्यायिक दंडाधिकारी ने परिवादी के पक्ष में उक्त मुआवजा मंजूर कर लिया। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।